आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरा साल नाच गाने ठुमके लगाने वाली जब हमारी शोबिज इंडस्ट्री ताल्लुक रखने वाली फनकाराएं इस तरह खास मौके पे इस्लामी डेज पे नेक परवीन बनकर सामने उभरती हैं तो फिर फैंस की तरफ से उनको क्या क्या सुनने को मिलता है और फैंस उनको किस तरह गालियों में याद करते हैं, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में ये भी शेयर करूंगी कि रबीका खान ने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक खूबसूरत नात अपने फैंस के साथ शेयर कर दी जिसे सुनकर हर कोई तारीफ करने पर मजबूर हो गया, मगर साथ ही उनके फैंस की तरफ से उन पर भरपूर तनकीद भी की गई। आज की मुकम्मल वीडियो वॉच करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और कल जो है काफ़ी ज़्यादा जोश व खरोश के साथ तमाम सेलिब्रिटीज़ ने और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को मनाया गया। तो फिर इस मौके पर हमारे टिकटॉकर या फिर ऐसी एक्ट्रेसेस क्यों पीछे रह जाती हैं जिनको ओवर एक्टिंग की दुकान कहा जाता है? जी हाँ, इन्हीं में से एक रबीका खान भी है जिनको मिस ओवर एक्टिंग कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ओवर जो है ख़ुद को शो करती हैं। हाल ही में रबीका खान ने जब अपने फैंस के साथ 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक खूबसूरत नात शेयर की तो बिल्कुल उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। मगर हमारा यहाँ पर एक सवाल है और ना सिर्फ हमारा बल्कि फैंस की तरफ से उन पर इस चीज़ की तनकीद पुरजोर तरीके से की गई कि रबीका खान ये क्या है, आप लोग क्यों इस तरह की दो नंबरियाँ दिखाते हैं जब पूरा साल आप लोग नाच गाने ठुमके लगाते रहते हैं और आए रोज़ आप लोगों की कोई ना कोई ऐसी वीडियोस वाहियात पिक्चर्स जो है लीक होती रहती हैं तो फिर आप लोगों को इस तरह ख़ास मौके पर ये चीज़ क्यों याद आ जाती है? आप लोग मुनाफ़ा दिखाते हैं और रबीका खान को इस हवाले से अभी आप लोग देख भी सकते हैं इस वीडियो में कि वो किस एहतमाम के साथ तैयार हुई हैं और ये सिर्फ अपने फैंस को दिखाने के लिए है। अगर वो अल्लाह की राह के लिए इस तरह करती तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता, वो अपनी नात जिस तरह भी थी अपलोड कर देती, मगर वो ख़ास एहतमाम के साथ तैयारी की है उन्होंने और सर पर दुपट्टे लेने का अंदाज़ भी देख लें तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये मिस ओवर हैं।